ये पार्टी तो फॉरेन फंडिंग लेती है, अपने अकाउंट में आने वाले एक एक रुपए का हिसाब दे, तरीके इंसाफ को कलदम करार देना और जमात को उड़ाना ना ही एक प्रैक्टिकल है, वो ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके। बिल आखिर उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को, उसके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए। बिल आखिर उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और मीडिया में हर सियासी मुबसरीन, हर तजियाकार अपने अपने मुताबिक उसको एक रंग देने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी तशरीहात हो सकती हैं किसी भी फैसले की, किसी भी रिपोर्ट की। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअली ये केस था क्या, इसको इस केस को फाइल करने के पीछे क्या मुबैना तौर पर मकासद हो सकते थे और क्या वो मकासद अचीव हुए हैं या नहीं, और इस रिपोर्ट में जो ऑपरेशनल पार्ट है, जो एक्चुअली हुक्म है, जो एक्चुअली फैसला है या तजिया दिया है, और जो इस पूरी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को जो अपनी राय दी है वो क्या है, तमाम डिटेल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के मुतालिक इस वीडियो में। जी वक्ती में उस रात, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो और आप हमसे किसी बारे में बात करवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आगाह होना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं और हम यकीन तौर पे उस टॉपिक पे आपको आगाह करेंगे। बात हो रही है पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के मुतालिक। इसकी कहानी कुछ यूं है कि 2014 में, ये वही साल है जब इमरान खान ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान किया था और 126 दिन का धरना दिया था 2014 में। उसी असना में, उसी महीनों के आसपास पीटीआई के एक फॉर्मर फाउंडिंग मेंबर जिनका नाम है अकबर एस बाबर साहब, जो तहरीक इंसाफ के एक फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद इमरान खान और उनके दरमियान में कुछ तलखियां हुई, कुछ पार्टी वॉयलेशंस की वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 2014 में वो मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने ये क्लेम किया कि मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया था, मैं पार्टी को एक्सपोज करने वाला था, ये पार्टी तो फॉरेन फंडिंग लेती है, ये औरों के गैर मुल्कियों के एजेंडों पर चलती है। उसकी फिर बहुत ज़्यादा तशरीहात हुई कि यहूदियों के से फंड लेती है, ये अमरीकियों से फंड लेती है, ये किसी रॉ के की फंडेड पार्टी है और एक मसीह मखसूस एजेंडे पर है। तमाम रंग अकबर एस बाबर के इस केस को दिए गए और उन्होंने 2014 में, याद रखिए वही साल है जब इमरान खान ने धरना अनाउंस किया था, उसी साल में इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ने एक आजाद फरीक के तौर पे पीटीआई पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए केस कर दिया कि इनकी सारी जो फंडिंग है इनके अकाउंट से, इसको स्क्रूटनाइज किया जाए और पता चलेगा कि ये लोग फॉरेन फंडिंग लेते हैं। खतीब आजाद, बड़े अफसोस की बात है कि ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम था, लेकिन ये केस एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 7 साल डिले हो चुका हो गया। 2014 में ये फाइल हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2008 से 2013 तक के जो गोशवारे हैं पार्टी के, उनको चेक किया जाए। करते कराते 2018 में बिलाफ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तब इस केस को थोड़ी सी और पहिए लगे और एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी गई, जिसको इलेक्शन कमीशन ने यह टास्क दिया कि आप तहरीक इंसाफ से उनके रिकॉर्ड्स लें और अकबर एस बाबर जिन्होंने केस किया है उनसे उनके इल्जामात लें, उनसे उनके सबूत लें, जिनकी बेसिस पर वो कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी का मेंबर था और मुझे पता है कि फंडिंग भाई से लेते हैं, दोनों के सबूत लें, आप पूरा ट्रेल बनाएं, बैंक से रिकॉर्ड लें और हमें एक मशवरा दें कि क्या तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग लेती थी, ममनुआ फंडिंग किसी ममनुआ इदारे से बैरून मुल्क लेती थी या नहीं। ये टास्क दिया गया था 2018 में और उसको टास्क दिया था कि एक महीने के अंदर अंदर आपने इस पूरे जो रिपोर्ट है इसको तरतीब देना है, इसको मुकम्मल करना है। लेकिन वो एक महीना 3 साल में कन्वर्ट हो गया और 3 साल के बाद अब बिलाखिर हाल ही में उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अब ये रिपोर्ट जो आनी थी और उसकी स्क्रूटनी हो रही थी, इसी दौरान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन में अपील कर दी कि अगर हमारे अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हम कहां से फंड्स लेते हैं और हम कैसे अपनी फंड रेजिंग करते हैं बरूने मुल्क, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा के बाद। बिल्कुल सही है। और साइमल्टेनियसली इसी के साथ इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इसी तरह की स्क्रूटनी कमेटी और उनके ऊपर उनके फंड्स को भी की जाँच पड़ताल शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है सारी है। बात करते हैं तहरीक इंसाफ की इस कमेटी की। खतरे उजात, पाकिस्तान की सियासत कयास सराइयों और कॉन्स्पिरेसी थेरी से भरी हुई है। कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हर्फ आखिर नहीं होता और मुक्तदर हलके हमेशा, कहा जाता है, अपने पास एक ट्रंप कार्ड रखते हैं और वो किसी भी हुकूमत को और किसी भी सियासतदान को मुबैना तौर पर, ये सियासी मुबसरीन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे ये तजियाकार कहते हैं कि जी सब तो उनके हाथ में होता है। सो उसी पस मंज़र में जो ये केस है पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस, जो अकबर एस बाबर ने क्लेम किया था कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है,
कहा जाता था सियासी मुबसरीन की तरफ से और कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट की तरफ से कि मुख्तदर हलकों के पास तहरीक इंसाफ का ये ट्रम्प कार्ड है कि जब किसी किस्म की नाराजगी होगी, जब उनसे नाला होंगे, वो इस ट्रम्प कार्ड को फेंकेंगे और ये फॉरेन फंडिंग केस में पूरी तरीके इंसाफ को नाहल करवा देंगे, वन स्ट्रोक में पूरी पीटीआई फारिग हो जाएगी। इस किस्म की कयास रायों के बेसिस के ऊपर ही अगर आप जाएं तो पिछले 3-4 साल में आपको नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी और तमाम अपोजिशन की जमातें इस केस का जिक्र करती नजर आती हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस क्यों नहीं खुल रहा, फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। तो कब दिनों बिलाखिर वो रिपोर्ट आ गई है और तमाम कॉन्स्पिरेसीज पे कि जी मुख्तलिफ हलकों का बड़ा रोल है और ये उनका ट्रम्प कार्ड है, तमाम ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे पानी फिर गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ अल्फाज में लिख दिया गया है कि जो अकबर एस बाबर है जिन्होंने केस किया था, वो ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके जिनकी बेसिस पे अदालत में केस चलाया जा सके कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। बहुत वाज़ह अल्फाज में मैं बता रहा हूं कि इस रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की ममनुआ फंडिंग, इंटरनेशनल ममनुआ फंडिंग अकबर एस बाबर साबित नहीं कर सके। जो तहरीक इंसाफ ने साबित किया है वो ये किया है कि हम दूसरे ममालिक में अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे हम लीगली फंड्स इकट्ठे करते हैं, यही इस रिपोर्ट में साबित किया गया है। अब मैं आपको बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या था कि जी ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और ये ममनुआ जगह से फंडिंग लेती है, एजेंट्स हैं, क्योंकि अब इस रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये किसी भी ममनुआ जगह से इसने फंडिंग नहीं ली है और कोई भी इलीगल फंडिंग लेने का प्रूफ अकबर एस बाबर सबमिट नहीं करा सके, इसलिए अब इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है जिसके ऊपर ऑपोजिशन और तमाम सियासी मुबसरीन तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, और जो एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। ये रिपोर्ट लिखती है कि 2008 से लेकर 2013 यानी 5 साल जिसको स्क्रूटनाइज कर रही थी, काफी पुरानी बात है लेकिन ये उसी 5 साल को स्क्रूटनाइज कर रही थी, उन 5 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में 26 अकाउंट्स हैं। मीडिया में ये भी रिपोर्ट हो रहा है, कुछ कोई चैनल कह रहे हैं 70 हैं, कोई चैनल कह रहे हैं 65 है। ये एग्जैक्ट इस कमेटी ने फाइंडिंग्स दी हैं तमाम पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कोऑर्डिनेशन करके, 26 अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पाकिस्तान के लोकल बैंक्स में मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं, और उनमें 1 करोड़ और लगभग 1 अरब 62 करोड़ के करीब की फंडिंग आई। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1 अरब 62 करोड़ रुपए के लगभग की फंडिंग आई 2008 से 2013 के दरमियान। इस पूरी रकम में से, इस पूरी क्वांटिटी में से 1 अरब और तकरीबन 30 करोड़ की फंडिंग तहरीक इंसाफ ने मनी ट्रेल के साथ साबित कर दी कि ये फंडिंग जो है फलाने मुल्क से इतने रुपए की आई, ये फंडिंग फलाने रुपए से मुल्क से इतने रुपए की आई। 1 अरब और 30 करोड़ इस पूरी रकम में से जस्टिफाइड हैं, जिसको इस रिपोर्ट ने टेस्टिफाई किया है कि हाँ जी ये बिल्कुल लीगल चैनल से मनी ट्रेल पूरी है। अब इस पूरी रकम में मामला पड़ गया है लगभग 31 करोड़ रुपयों का, कि इस 31 करोड़ रुपए की कोई जस्टिफिकेशन तहरीक इंसाफ ने नहीं दी कि ये उनके अकाउंट्स में 31 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। अब हुआ कुछ यूं कि जब ये रिपोर्ट आई तो अदालत में, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि अब ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया गया है, तो अभी अब इसको रिपोर्ट को पब्लिक ना करें, हम इसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन दे दें क्योंकि हमारे पास इसकी भी मनी ट्रेल मौजूद है। लेकिन अदालत ने इस बात का, इलेक्शन कमीशन ने इस बात का को मुस्तरद कर दिया और ने कहा कि हम इसको पब्लिक कर देते हैं और फ्यूचर में जब इस चीज को प्रोसीड किया जाएगा आप तब अपनी जस्टिफिकेशंस जमा करवा दें। तहरीक इंसाफ का स्टांस ये है कि ये 31 करोड़ रुपए हमारे पाकिस्तान के जो अंदरूनी लोकल बैंक्स होते हैं, जो एमएनएस के फंड्स होते हैं, उधर से ये जनरेट होकर हमारे इंटरनेशनल अकाउंट्स में पहुंचे हैं, दैट इज वाई इंटरनेशनल फंडिंग से ये 31 करोड़ रुपए साबित नहीं हो रहे क्योंकि लोकल फंड्स थे। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या तहरीक इंसाफ कितनी सच है, कितना झूठ बोल रही है इसमें और क्या वो इस चीज को साबित कर सकते हैं। लेकिन मॉरल स्टोरी, हेडलाइन ये है कि जो फॉरेन फंडिंग और किसी गलत और इलीगल जगह, यहां तक बात की जाती थी कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर से फंडिंग लेकर तहरीक इंसाफ चल रही है, वो तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी गई है इस रिपोर्ट में। और अब ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है, अकबर एस बाबर क्लेम कर रहे हैं कि जो 31 करोड़ रुपए अनजस्टिफाइड हैं, उनकी मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, उसको तरीके से आपको जस्टिफाई करना चाहिए और ये बिल्कुल बजा है, 100% दुरुस्त बात है। अगर आप हुकूमत में हैं, आप हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने अकाउंट में आने वाले 1-1 रुपए का हिसाब दें, 1-1 रुपए की मनी ट्रेल प्रोवाइड करें, और ये तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि 31 करोड़ रुपए कहां से आए, कैसे आए, ये साबित करें। लेकिन आज की हेडलाइन पीटीआई के ऊपर, फॉरेन फंडिंग
फॉरेन फंडेड जमात होने का इल्जाम मुस्तरद हो चुका है। पीटीआई के ऊपर किसी भी किस्म की ममनुआ जगह से फंडिंग लेने का इल्जाम भी मुस्तरद हो चुका है। और रहा सवाल इन 31 करोड़ रुपयों का, तो अगर तहरीके इंसाफ इसको साबित ना कर सकी, मनी ट्रेल ना प्रोवाइड कर सकी, तो फिर कवानीन के मुताबिक मैक्सिमम भी तहरीके इंसाफ के ये 31 करोड़ रुपए जो इलेक्शन कमीशन है वो जब्त कर लेगा। तहरीके इंसाफ को कलदम करार देना और जमात को उड़ाना ना ही एक प्रैक्टिकल है, ना ही कानूनी तौर पर पॉसिबल रहा है। किसी भी किस्म की अब इसमें गुंजाइश नहीं रही कि तहरीके इंसाफ को बहसत एक जमात इस पूरे केस से कोई खतरा है, ना ही एक प्रैक्टिकल ऑर्डर हो सकता था और ना ही अब इसकी कानून में कोई जगह है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखते रहिए ट्रेंड्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने जुबान में रखे और आप मुझे ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।